तो हाय गाइस, एएमडी वर्सेस इंटेल। 2015 से पहले तो इंटेल ही पूरी मार्केट को लीड कर रही थी, लेकिन 2015 में एएमडी ने अपनी राइजन लाइनअप को लॉन्च करा और ईयर आफ्टर ईयर इतना इम्प्रूव कर लिया कि आज वो इंटेल को बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रही है। और आज 2021 में हम लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा एएमडी को इंटेल से, ताकि हम लोग पता लगा पाए कि कौन सा किस मामले में ज़्यादा बेटर ब्रांड है। और एक छोटी सी बात और कि हम लोग जो है प्रोसेसर के मामले में कंपेयर करेंगे दोनों ब्रांड्स को, क्योंकि एएमडी ग्राफिक्स कार्ड वगैरह भी बनाती है और फिर उनकी एफएसआर वगैरह की टेक्नोलॉजी भी है, तो उसको नहीं ध्यान में रखेंगे हम लोग। हम मेनली प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो जैसे पूरे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वैसे ही प्रोसेसर की भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि कोर्स और थ्रेड्स, उसकी TDP कितनी है, उस प्रोसेसर की लिथोग्राफी क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी क्लॉक स्पीड क्या है। तो आज की वीडियो के एंड में हम लोगों को पता लगेगा कि इंटेल विनर है या एएमडी विनर है। लेकिन कंपैरिजन करने से पहले आप लोगों को कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताई, उसके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग कंपैरिजन पे उतरेंगे। तो ठीक है, फिर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलो अरब टाइम वेस्ट करें, शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कोर्स और थ्रेड्स, क्लॉक स्पीड, लिथोग्राफी और ये TDP क्या चीज है ये। तो CPU के कोर्स और थ्रेड्स अलग होते हैं, क्लॉक स्पीड अलग होती है एक चीज, TDP एक अलग चीज है और लिथोग्राफी एक अलग चीज है। तो इनको अलग अलग मैं आप लोगों को बताता हूँ, फटाफट से बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। जो हमारे कोर्स होते हैं उनका काम होता है टास्क को हैंडल करना, तो मतलब कि जितने ज्यादा कोर्स होंगे उतने ज्यादा आप टास्क कर पाओगे। और जो हमारे थ्रेड्स होते हैं उनका काम होता है कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, कंप्यूटेशंस परफॉर्म करना, ताकि जो टास्क कोर्स कर रही है वो एकदम स्मूथ हो। तो जितने ज्यादा कोर्स आपके प्रोसेसर के अंदर होंगे उतने ज्यादा टास्क आप एक टाइम पर कर पाओगे, और जितने ज्यादा थ्रेड्स आपके प्रोसेसर के अंदर होंगे उतनी ज्यादा स्मूथली आप वो टास्क कर पाओगे। तो होपफुली आप लोगों को कोर्स एंड थ्रेड समझ आया होगा। क्लॉक स्पीड क्या होती है? क्लॉक स्पीड प्रोसेसर की स्पीड होती है, जस्ट सिर्फ इतना सा वर्ड है कि एक प्रोसेसर की स्पीड है। हम लोगों ने देखे होगा कि इसके अंदर 3.3 GHz की स्पीड है, इसके अंदर 4.4 GHz की स्पीड है, तो वो एक प्रोसेसर की एफिशिएंसी होती है कि वो इस GHz पर, इस स्पीड पर जो है वो चल सकता है। तो जिन लोगों को कोर्स और थ्रेड्स और क्लॉक स्पीड का मतलब नहीं समझ में आया, उनको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि दो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री में चार वर्कर काम कर रहे हैं जो कि एक काम को 2 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, और दूसरी फैक्ट्री में 8 वर्कर्स हैं जो कि उस ही काम को 4 घंटे में कंप्लीट करते हैं। अब बताओ आप कौन सी फैक्ट्री का लीडर बनना चाहोगे? तो अगर आप लोगों ने फैक्ट्री 1 चुनी है जहां पर 4 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनके जो है वो अलग प्रोज एंड कॉन्स होंगे। जैसे कि अगर उनको सिंगल टास्क करना है तो वो चारों इकट्ठे मिलके 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर 4 काम एक ही साथ आपको करने हो, यानी कि मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपको चाहिए हो, तो आपको एक एक का ग्रुप बनाना पड़ेगा 4 काम करने के लिए, जिससे उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखते हैं दूसरी फैक्ट्री में जहां पर 8 कोर्स हैं या फिर 8 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पर अगर आपके पास 4 काम आ जाए तो दो दो वो बंदे स्प्लिट होकर आराम से वो काम कर लेंगे फटाफट से। तो यही है कोर्स और थ्रेड्स का खेल, कि अगर आपके पास कोर्स कम होंगी और क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगी तो आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस यानी कि एक टास्क जो है वो बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा कोर्स और थ्रेड्स होंगी चाहे कम क्लॉक स्पीड हो तो आप ज़्यादा टास्क परफॉर्म करवाओगे, लेकिन हाँ स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो यही चीज़ है, जो फैक्ट्री 1 है वो है इंटेल, जो कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देती है, और जो फैक्ट्री 2 है वो है AMD, वो मल्टी कोर परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देती है। अब हम लोग बात करते हैं कि TDP क्या चीज़ है। TDP जो है आपको डेफिनेशंस बहुत सारी मिल जाएंगी इंटरनेट पे, लेकिन आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि TDP ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो अगर TDP ज़्यादा होगी तो पावर कंजप्शन ज़्यादा होगी, अगर आप बैटरी पे चला रहे हो तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी, अगर आप पावर सोर्स से चला रहे हो तो आपका ज़्यादा बिजली का बिल आ जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीट ज़्यादा जनरेट होगी अगर TDP ज़्यादा होगी तो। और अगर TDP कम होगी तो पावर कंजप्शन भी कम होगी और हीटिंग इश्यूज भी आपको कम मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको परफॉर्मेंस में सफर करना पड़ेगा। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर कम होगी तो दिक्कत, ज्यादा होगी तो दिक्कत, तो क्या होनी चाहिए? तो TDP जो PC के अंदर है वो, अगर आप बजट लेवल के प्रोसेसर ढूंढ रहे हो तो 45 वॉट के आसपास की होनी चाहिए, और अगर आप हाई एंड ढूंढ रहे हो, हाई एंड प्रोसेसर ढूंढ रहे हो जैसे राइजन 9, i9, तो यहाँ पर आपको 125 वॉट या फिर 150 वॉट का कम ही CPU होना चाहिए। लिथोग्राफी जो है वो एक आर्किटेक्चर होता है प्रोसेसर का, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, ये 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, तो जितना छोटा प्रोसेसर होगा, जितना कम आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा, उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी और उतना ज़्यादा जो है वो बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर होगा।
और साथ साथ परफॉर्मेंस भी ज्यादा आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, तो होपफुली अब आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि प्रोसेसर के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन के क्या क्या काम होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जो इंटेल है वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देती है और जो एएमडी है वो मल्टी कोर परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस वाला जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, उसको प्रूव करने के लिए आओ एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। यहां पर इंटेल की तरफ से मैंने लिया है i9 का 11900K जो कि बीस्ट प्रोसेसर है, और दूसरी तरफ मैंने लिया है Ryzen 9 का 5900X जो कि महाबीस्ट प्रोसेसर है। फटाफट से स्पेसिफिकेशन जाने तो 12 कोर और 24 थ्रेड्स मिलते हैं हमको Ryzen 9 5900X के अंदर। 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और 105 वॉट की TDP है। 3.7 GHz से लेकर 4.8 GHz तक की क्लॉक स्पीड है। तो प्रोसेसर तो यहाँ पर दिखने में बहुत ही बीस्ट लग रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें इंटेल का प्रोसेसर तो यहाँ पर हम लोगों को 8 कोर और 16 थ्रेड वाला CPU मिलता है, 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 125 वॉट की यहाँ पर TDP मिलती है, लेकिन जो क्लॉक स्पीड है 3.5 GHz से लेकर 5.3 GHz तक। मतलब आप देखो कि ऑलमोस्ट हर चीज़ में ये पीछे है राइजन से, लेकिन क्लॉक स्पीड में आगे निकल जाता है। और सिर्फ क्लॉक स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इंटेल का प्रोसेसर ज़्यादा बेटर निकल के आता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो Geekbench 5 का जो सिंगल कोर स्कोर है वो 5% ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है इंटेल के अंदर, तो 5% से हार जाता है AMD। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें मल्टी कोर परफॉर्मेंस में तो 49% ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि AMD ने कितनी बड़ी लीप ली है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में। ऑब्वियसली वो लीप आनी थी क्योंकि 4 कोर्स ज़्यादा हैं AMD के अंदर। तो यहाँ पर वही बात है कि जो इंटेल है वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रही है, ना अपने आर्किटेक्चर पर ध्यान दे रही है और ना ही अपने कोर्स और थ्रेड्स पर ध्यान दे रही है। और वहीं अगर हम लोग देखें AMD को तो वो धीरे धीरे करके सारे बॉक्सेस जो है वो टिक कर रही है, और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 1-2 साल में AMD जो है टेक ओवर कर देगी इंटेल को सिंगल कोर परफॉर्मेंस में भी। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने से लग रहा है कि इंटेल जो है बुरी तरह डिफीट हो चुकी है AMD से। बट वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पर अगर हम लोग गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इन्हीं प्रोसेसर्स की बेंचमार्क्स के बारे में बात करें गेमिंग के, 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पर दोनों ही प्रोसेसर के अंदर हम लोग को 105 FPS मिल रहे हैं। देखो कांटे की टक्कर चल रही है पूरी। शैडो ऑफ टॉम रेडर के अंदर देखें हम लोग तो यहाँ पर 165 FPS मिल रहे हैं हम लोगों को AMD में, और 175 FPS लेकर जा रहा है इंटेल का प्रोसेसर। एक गेम और ऐड कर लेते हैं, 1440p अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर Assassin's Creed Odyssey के अंदर हम लोग को 69 FPS मिलते हैं AMD के अंदर, और 71 FPS मिलते हैं हम लोगों को इंटेल के अंदर। तो आप यहां पर देख सकते हो कि कांटे की टक्कर चल रही है, बट कहीं ना कहीं गेमिंग परफॉर्मेंस में इंटेल ज़्यादा बेहतर है, बजाय उसके अंदर 4 कोर्स कम है। क्यों? क्योंकि क्लॉक स्पीड ज़्यादा बेहतर है। तो ये है क्लॉक स्पीड का खेल कि अगर प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड ज़्यादा तेज होगी तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी उसकी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। कोर्स और थ्रेड से यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज़्यादातर गेम जो है वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रूव करा कि इंटेल के प्रोसेसर जो है वो गेमिंग के मामले में AMD से ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर जो गेमिंग में फ़र्क है, इंटेल का प्रोसेसर सिर्फ 5% ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और वहीं अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 49% से डिफीट हो रहा है इंटेल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो देखो झोल है ही ना। तो ये झोल क्या है, आइए वो समझते हैं प्रोज एंड कॉन्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटेल के प्रोज एंड कॉन्स। यहाँ पर जो इंटेल का प्रोज है वो ये है कि यहाँ पर क्लॉक स्पीड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी मदद से सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा बूस्ट हो जाती है और गेमिंग परफॉर्मेंस तगड़ी आती है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कॉन्स की तो यहाँ पर मल्टी कोर परफॉर्मेंस बहुत पुअर आ जाती है, लिथोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा है, 14 नैनोमीटर के प्रोसेसर है मोस्टली इंटेल के, और जो TDP अगर हम लोग देखें तो वो भी AMD के प्रोसेसर से ज़्यादा ही होती है, बिकॉज 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर है तो TDP तो ऑब्वियसली ज़्यादा होने ही होनी है। मतलब कि इंटेल के जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा गर्म होगा एज कम्पेयर टू AMD इन PC प्रोसेसर। और वहीं अगर हम लोग AMD के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर मल्टी कोर परफॉर्मेंस के मामले में बीस्ट है, उससे ज़्यादा बेहतर ब्रांड मल्टी कोर परफॉर्मेंस में कोई भी नहीं है। TDP, लिथोग्राफी, क्लॉक स्पीड, इसमें भी जो है AMD काफ़ी ज़्यादा पीछे था अगर हम लोग 2018 या 2017 के बारे में बात करें। और TSMC के कोलैबोरेशन के बाद 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर बनाए और यहाँ पर बहुत बड़ी लीप ले गया AMD का प्रोसेसर। हाँ, थोड़ा बहुत सिंगल कोर परफॉर्मेंस में ध्यान देने की जरूरत है AMD को, लेकिन आने वाले 1-2 साल के अंदर बीट कर देगा बुरी तरह से इंटेल के प्रोसेसर्स को। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इंटेल इतनी बुरी तरह कैसे हार सकती है, मतलब इतनी बड़ी ब्रांड है तो वो क्या वो नहीं 12 कोर और 24 थ्रेड दे सकती? वो ज़रूर दे सकती है, बट एक ब्रांड होता है कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ पर चले। जैसे कि अगर आप कोई कपड़े की ब्रांड देखो तो वो कपड़े ही बनाएगा, प्यूमा को देखो तो वो स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाएगा,
वैसे ही जो है इंटेल भी एक ब्रांड है और वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस पर ही स्टार्टिंग से ध्यान दे रहा है, इसलिए वो मल्टी कोर परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दे रहा। और अगर हम लोग एएमडी को देखें तो वो एक हर चीज़ की ब्रांड है, वो ग्राफिक्स कार्ड की भी ब्रांड है, क्योंकि यहाँ पर एएमडी को पता है कि उसके जो फैंस हैं वो स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, और यहाँ पर इंटेल को ये भी पता है कि जो इंटेल के फैंस हैं वो ज़्यादा गेमिंग के अंदर हैं या फिर बिजनेस वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैं कौन सा ब्रांड चूज़ करूँगा, मैं एक क्रिएटर हूँ, ठीक है, मेरे को स्ट्रीमिंग का काम होता है, मुझे वीडियो एडिटिंग का काम होता है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ज़्यादा बेटर ब्रांड एएमडी रहेगी, मेरे को एएमडी चूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। और वहीं अगर आप एक गेमर और सिर्फ गेमिंग करते हो, नो वीडियो एडिटिंग नो स्ट्रीमिंग, तो फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर ब्रांड इंटेल रहेगी। तो ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। बाकी यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही प्रोसेसर को कंपेयर करा है, ज़्यादा प्रोसेसर को कंपेयर नहीं करा, ज़्यादा बेंचमार्क्स आप लोगों को नहीं दिखाए, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही चीज़ को रिपीट कर करके ना वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को दो तीन प्रोसेसर के और बेंचमार्क्स दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप एएमडी चूज़ करोगे या इंटेल चूज़ करोगे। तो ठीक है यार, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।